हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल राउंडर मुरली में आपका स्वागत है। देखिए, हम आए हैं अभी देहात में, अपने एरिया के सब खेत तो दिखा रहे हैं आप लोग को। उम्मीद होगा कि हम आप लोग को ले जाकर नदी दिखाने वाले हैं। अभी रास्ते में है, चल रहे हैं। देखिए, इधर सब धान और गन्ना का खेती हुआ है। चलिए, मैं आप लोग को दिखाने जा रहे हैं। साला बहुत साला कचड़ा रास्ता है ये। हेलो गाइस, आप लोग को आप लोग पर उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे, शेयर करेंगे। साला रास्ते में गड़बड़ा गया, ये रास्ता सही है। चलिए ना महाराज मुरली जी, मैं फर्स्ट ब्लॉग बना रहा हूँ, देखते हैं कि कौन कौन भाई लोग सपोर्ट करते हैं। साला इतना पानी हो गया कि मेरा जूता भी भीग गया शीत से। हम आप लोग को दिखाने का प्रयास करेंगे नदी अपने गांव का। चलिए, मैं चल रहा हूँ नदी के पास। देखिए, हाथ में छड़ी भी लिए हैं, सियार उआर काटेगा तो मारेंगे। ऐसे चला जाए, ऐसे चलिए, ऐसे थोड़ा देर के बाद निकल जाएंगे बाहर। ओए साला, देखिए इधर इतना साला कीड़ा है ना, साला ऊख में इतना कीड़ा हो गया गन्ना के खेत में। क्या आ क्या आप लोग से बताएं हम। देखिए, मैं उखियाड़ी पुआड़ी सब दिखा देते हैं। ब्लॉग बनाना, साला ब्लॉग बनाते हैं हम लोग उखियाड़ी पुआड़ी के साथ में। जो देहात का होगा वो समझ जाएगा, जो शहर का होगा वो समझेगा क्या है गन्ना, क्या है धान। तो शहर के लिए हम बता देते हैं, यही धान है, धान से चावल निकलता है। आइए, जो शहर में गन्ना का जूस पीते हैं उसको, शहर में जो गन्ना का जूस पीते हैं ना, वही हम लोग का ऊख है, इसी में से जाता है। डॉक्टर वाह, डॉक्टर वाह। देखिए, अब हम लोग जा रहे हैं। हो भाई, ब्लॉग फिर बन भाई। नदिया ना दिखाए हम, नदिया दिखा दो। आगे नदी है, आप लोग को दिखाएंगे नदी जरूर। साला जूता पूरा भीज गया है। ए यार, हाई कहाँ गई लो? इधर देखिए कि क्या है कि हमारे गांव का डॉक्टर साहब धान सो रहे हैं। हमको उम्मीद नहीं था कि ये धान सोएंगे, बाकी ये धान भी सोते हैं। बड़ा बड़ा बेतिया का कोई डॉक्टर नहीं है जो धान सोता होगा, उससे भी बड़ा है ये। यूपी का एम्स हॉस्पिटल इन्हीं के नाम से चलता है। इनका नाम है अदित कुमार जादव, जो यूपी का फेमस डॉक्टर है। किस चीज़ का डॉक्टर है? हेलो गाइस, फाइनली हम लोग पुग चुके हैं नदी के पास। वाह, बहुत नदी में पानी है यार, बहुत पानी है। फाइनली हम लोग नदी के पास आ गए। एक नदी है हमारे गांव के, यही सबसे बड़ा नदी है जहां पे छठ पूजा किया जाता है। पानी बहुत तेज है।